हेलो दोस्तों, 16 किलो हैमर मशीन लेके आया है। इसमें बहुत सारे सामान खराब हो गया है। आर्मेचर, गियर, टूल होल्डर सेट। देखिए, टूल होल्डर सेट बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। हमें इसमें नया टूल होल्डर चेंज करना है। तो देखिए, नया टूल होल्डर मैं लेके आ गया, तो दोनों को देखिए, इसमें हम नया को चेंज करेंगे। तो मशीन को हमें पहले ओपन करना है, गियर आर्मेचर को बाहर करना है। पहले हम एलन की को थोड़ा फास्ट में ओपन कर लेते हैं। आपको स्क्रू खोलने के बाद दो स्क्रू ड्राइवर लेना है। धीरे से हाथों से ऐसे प्रेस करना है। आपको जितने भी यूट्यूबर है ना, आपको ओपन कभी नहीं दिखाते हैं, तो उसमें कितना तकलीफ होता है। आप नए नए काम कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता है इसमें कैसे खोलना है। आपको दो माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है। धीरे धीरे करके आपको प्रेस करना है, थोड़ा सा गैप बनेगा। उसके बाद आपको इसमें कुछ पत्ती डालना है, नहीं तो जब आप छोड़ देंगे फिर से वो बैठ जाएगा, उसमें पिसार रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो आपको जो तकलीफ़ होता है ना, कोई आपको शेयर नहीं करता, तो शेयर नहीं करेगा तो आप बढ़िया से काम नहीं सीख पाओगे। तो मेरे से जितना हो पाएगा हम कोशिश करेंगे आपको बढ़िया से बढ़िया काम सिखाने की। ये वीडियो का पूरा देखिए, इसमें आपको डिटेल्स में हम समझाने की कोशिश किए हैं कैसे हम इसको ओपन करते हैं। देखिए, बड़े से ओपन हो गया है। ऐसे ही नहीं, आप कुछ भी सामान से ठोक के बाहर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है, तब आप ओपन कर पाओगे। इसमें गियर ख़राब हुआ है और इसमें बैरिंग भी हमें चेंज करना है। हम आपको बैरिंग के बारे में डिटेल्स में वीडियो में दिखाएंगे, बैरिंग का साइज भी बताएंगे। देखिए, इसमें गियर कितना ज़्यादा ख़राब हुआ है, गियर टूट गया है। एक दो जगह से इसमें टूट गया है, तो इसमें नया गियर हम चेंज करेंगे और बैरिंग भी चेंज करेंगे। बैरिंग भी साइज भी आपको बताएंगे। आर्मेचर का दो बैरिंग चेंज करेंगे और गियर का दो बैरिंग चेंज करेंगे। नया गियर मैंने ले लिया है, देखिए
ये नया गियर को हम इसमें फिटिंग करेंगे। तो गियर को हम रख लेते हैं। बड़े से मूव हो रहा है तो हमें आर्मेचर कैसे बाहर करना है, तो हम देखो जो भी मशीन लेके आते हैं ना, हमें सब कुछ बढ़िया से देखना है, नहीं तो बढ़िया से हम काम नहीं कर पाएंगे। बारीकी से आपको देखना है मशीन के अंदर से आर्मेचर को हमें बाहर करना है। दो स्क्रू ड्राइवर लेके थोड़ा प्रेशर देने से बाहर हो जाता है। देखिए ये जो आर्मेचर का जो बैरिंग प्लेस है ना ख़राब हो गया, ये लिए इजी बाहर हो गया। बहुत ज़्यादा टायर रहता है तो अब थोड़ा ज़्यादा प्रेशर करने से बाहर हो जाएगा। इसमें थोड़ा प्ले हो रहा है तो हम घुमा के भी चेक कर लेते हैं। बड़े से मूव कर रहा है तो आर्मेचर को हमें बाहर करना है। आपको आर्मेचर कैसे बाहर करना है हम दिखा रहे हैं। बहुत ही कष्टदायक होता है और लकड़ी से ठोक के आपको बाहर करना है। मेरा हाथों पे लग गया था तो कैसे हम ओपन किया आप देखिए कितना ज़्यादा कष्ट होता है। आपने देखा कितना ज़्यादा कष्ट होता है आर्मेचर को बाहर करते हुए। तो हम ऐसे ही हर रोज़ काम करते हैं, थोड़ा कष्ट होता है, बड़े से बाहर हो गया है। देखिए ये आर्मेचर बैरिंग ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा फील के साथ घर्षण हुआ है। देखिए आर्मेचर का जो पत्ती है ना, कोर पत्ती है, वो मोड़ गया है। देखिए एक साइड से मोड़ गया है, दूसरे साइड से भी, देखिए यहाँ से भी मोड़ गया है, दोनों साइड से मुड़ गया। देखिए बहुत ही ज़्यादा घर्षण हुआ है, ये आर्मेचर बहुत ही ज़्यादा फ्लास हो रहा था। तो इसमें हम नया आर्मेचर चेंज करेंगे। इसमें बैरिंग प्लेस भी ख़राब हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो हम आपको दिखा देते हैं। इसमें बैरिंग बहुत ही इजी फिट हो जाएगा, बाहर भी हो जाएगा। देखिए फिट हो गया, बहुत ही ज़्यादा प्ले हो रहा है, इजीली बाहर हो जाएगा। फील कॉइल बहुत ज़्यादा घर्षण हुआ है, एक साइड से मार हो रहा है, तो ऑयल पैड भी ठीक ठाक है। नया आर्मेचर ले लेते हैं। ये आर्मेचर मैंने एक मशीन में फिट किया था टेस्टिंग के लिए,
ए आर मेजर को हम इसमें फिटिंग करेंगे। तो इसमें बैरिंग भी फिटिंग पहले से करके रखा था। नीचे वाला बैरिंग का साइज है 6201। आगे वाला जो बैरिंग है, बैरिंग का साइज है 6203। हम आपको पुराना वाला जो आर्मेचर है उसके साथ जो बैरिंग है उसको साइज भी हम आपको दिखा देंगे। हमें इसमें दो बैरिंग को बाहर करना है। इसके अंदर रख लेते हैं, थोड़ा हम ओपन कर लेते हैं एलन की मदद से। आपको बैरिंग बाहर करने के लिए नीचे आपको कुछ पाइप डालना है। उसके ऊपर रखने के बाद आप धीरे से दूसरे पाइप से आपको ठोक के बाहर कर लेना है। आपको सावधानी बरतना है नहीं तो टूट जाएगा।
वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, मैंने पुराना वाला ग्रीस को साफ कर लिए हैं। तो दो बैरिंग को देखिए, छोटा बैरिंग का साइज है 6201 और बड़े बैरिंग का साइज है 6302। पुराना वाला टूल होल्डर को बाहर करके नया वाला टूल होल्डर हम फिट कर दिए हैं। आपको टूल होल्डर के ऊपर जो लॉक है ना, कैसे फिटिंग करना है, मैंने दूसरे वीडियो में आपको देखा दिया। देखिए आर्मेचर में जो बैरिंग फिट होता है, दोनों बैरिंग का साइज देखिए, हम थोड़ा साफ कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखा देते हैं। 6201 और आगे वाला बैरिंग का साइज है 6203। आपको कैसे फिटिंग करना है, ऐसे धीरे से आपको अंदर डालना है, उसके बाद आपको धीरे से इसको बैठाना है, उसके बाद आपको पाइप की मदद से बैरिंग को इन कलर में ठोक के उसको फिटिंग कर लेना है। नया गियर को हम फिटिंग करते हैं, तो आप जब भी गियर फिटिंग करते हो आपको लकड़ी से ठोक के गियर को फिटिंग करना है, हैमर से ठोक के नहीं। हैमर से ठोकने से बैरिंग का प्लेस ख़राब हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइट लग रहा है, फिटिंग नहीं हो रहा है। नया बैरिंग है तो ये जो गियर है बहुत ही ज़्यादा प्ले था, इजीली बाहर हो गया था। तो धीरे धीरे करके हम ठोक के इसको फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम घुमा के भी चेक कर लेते हैं।
इसमें हम ग्रीसिंग करने के बाद मशीन को फिटिंग करेंगे। आपको बढ़िया से देख के मैसन को फिटिंग कर लेना है, उसके बाद आपको लकड़ी से ठोक के धीरे धीरे करके फिटिंग कर लेना है। मैं इसको थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलेंडर को फिटिंग करेंगे। पिस्टन तो इसके अंदर, इसमें जो सिलेंडर होता है आपको अच्छे से साफ सफाई कर लेना है, उसके बाद आपको इसमें ग्रीसिंग करना है, ग्रीसिंग करने के बाद आपको फिटिंग कर लेना है।
मेसिन बढ़िया से टाइट हो गया है। उसके बाद इसमें कार्बन को हम डाल लेते हैं, सौ मास्टर कंपनी का कार्बन है तो इसमें नया कार्बन हम फिटिंग कर लेते हैं। मशीन को हम सीरीज लाइन में टेस्ट कर लेते हैं। मशीन बड़े से चल रहा है, शॉक भी हम चेक कर लेते हैं। मशीन में शॉक नहीं है, मशीन को डायरी लाइन में चला लेते हैं। बढ़िया से चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।